अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में खुश आमदीद। आज हमारे साथ है Y21 और इस पर ये देखिए वीवो सर्विस और ये नोटिफिकेशन। ठीक है, असल में ये नोटिफिकेशन आ जाता है और जब ये आता है तो इसको सॉफ्टवेयर से भी आप रिमूव नहीं कर पाते। ये देखें, ये इसका नोटिफिकेशन है, मैं आपको इसको सही तरीके से दिखाता हूँ। देखिए डिटेक्टेक का कस्टमाइज, इसमें कस्टमाइज की गई है, सिक्योरिटी रिपेयर की गई है, तो इस वजह से ये चीज़ें वगैरह आ जाती हैं। लेकिन बहरहाल इस पर बहुत कोशिश करके आप रिमूव करेंगे तो आसानी से नहीं रिमूव होगा। तो आप इसको कैसे रिमूव करेंगे, बाज़ औक़ात आप इसको अपडेट करते हैं ताकि मतलब ये रिमूव हो जाए, नया वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो ये रिमूव हो जाएगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है कि ये इसको आप रिमूव कर देंगे तो इसको हम पहले हम इसका वर्जन चेक करते हैं और अभी जाके ना अबाउट में चेक करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये मॉडल है मोबाइल का, आप चेक कर सकते हैं और ये बिल्ड नंबर है। ठीक है, तो मोबाइल को सबसे पहले ऑफ करते हैं और ऑफ करने के बाद आपने पहला जो काम है वो करना है आपने मोबाइल का फ्लशिंग, लेकिन किस फाइल से करना है वो फाइल मैं आपको दूंगा, लेकिन फिर भी ये इससे रिमूव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये रिमूव करने में मदद देगा। अगर रिमूव करने में मदद आप इसको फ्लैश नहीं करेंगे तो आप इसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्लैश, ये देखिए ये फाइल है, फ्लैश करते हैं मोबाइल को, अभी थोड़ी देर में ये फ्लैश हो जाएगा। प्रीलोडर मोड इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, प्रीलोडर मोड। ठीक है, क्योंकि इसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी है और इसके मतलब यून अप और डाउन बटन अगर आप ना भी दबाएं तो कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीलोडर मोड में कनेक्ट हो चुका है हमारा मोबाइल। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो यस और नो का ऑप्शन था ये इसका था कि मतलब ये फर्मवेयर इसका कंपेक्टेबल नहीं है, ये लो वर्जन है या हाई वर्जन है और आप इसको फ्लैश करेंगे तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो अपना रिस्क है, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये फ्लैश हो जाएगा। इसी वजह से हम इसको दिखाएंगे आपको कि मतलब हम इसको करके दिखाएंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मोबाइल डेड हो जाएगा या कोई और मसला होगा, नहीं, इंशाल्लाह अभी हो जाएगा। ये देखिए हमारा मोबाइल जो है वो फ्लैश हो गया, अभी हम इसको ऑन करते हैं। ठीक है, केबल रिमूव करके पावर ऑन करते हैं। ठीक है, पावर ऑन करने के लिए थोड़ा सा बटन प्रेस कर दें, यहाँ पे टाइम लगा क्योंकि यहाँ फॉर्मेट हो चुका है मोबाइल। तो ये देखिए मोबाइल हमारा ऑन हो गया, अभी नेक्स्ट करते जाएंगे। ठीक है, पहले तो इसकी स्क्रीन पर वही नोटिफिकेशन आया। ठीक है, अभी इस नोटिफिकेशन को कैसे रिमूव करेंगे, लेकिन इसके लिए ये फ्लैश करना बहुत ही ज़रूरी है, याद रखें। ठीक है, ऐसे नहीं रिमूव होगा, मतलब आप लास्ट में वीडियो देखेंगे और आप कहेंगे कि मतलब इसी तरह हम रिमूव कर देंगे, बाकी जो ये प्रोसेस है सिर्फ वीडियो लंबा करने के लिए। नहीं 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 भाई, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अभी देखें, अभी भी वो नोटिफिकेशन पड़ा है, लेकिन मुझे यहाँ क्या करना है, सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में बिल्ड नंबर पर जाएंगे। ठीक है, और बिल्ड नंबर पर टिप करके किधर है यार, पहले तो ये देखिए नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बाद भी, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में ये रिमूव होगा। ठीक है, अगर आप इसके बगैर रिमूव करेंगे तो मुश्किल से रिमूव होगा। मैंने भी ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, सीट को अपडेट भी किया तो भी नहीं रहता। यहाँ पे बिल्ड नंबर पर टिप करें और रेडी भी ऑन करें। अच्छा, हमने फ्लैश इसको CM2C किया था और अब इसको हम करेंगे अनलॉक टूल से। ये देखिए यहाँ पे ADB ऑप्शन ऑन करें, तो ADB ऑप्शन हमारा जो है वो ऑन हो चुका है, हम केबल एंटर करेंगे। ठीक है, सलाम, ये देखिए ADB ऑप्शन ऑन हो गया, क्योंकि अलाउ ऑप्शन आ गया, हमारा नकल ओपन है।
ये देखिए ये नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है और ये इसी दौरान ही रिमूव हो जाएगा। अनलॉक टूल में वीवो सेलेक्ट करें, यहाँ पे इसका मॉडल Y20 सेलेक्ट करें। जब आप Y20 सेलेक्ट करेंगे तो मतलब प्रीलोडर मोड में कोई मसला ही नहीं है, जो भी मोड सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वैसे भी हमने डीबी में जाना है। फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ADB फिक्स नोटिफिकेशन पे, ठीक है, ADB फिक्स नोटिफिकेशन पे, और ये वन क्लिक पे रिमूव हो जाएगा। अब ऐसी नहीं है कि इसको फ्लैश किए बगैर आप कर पाएंगे, नहीं, पहले अपने मोबाइल को फ्लैश करना होगा डाउनग्रेड वर्जन के साथ और उसके बाद ये फिक्स हो जाएगा, अदरवाइज नए अपडेट में ये नहीं होगा। आप सिक्योरिटी पेज लेवल चेक कर सकते हैं 2021-5-1, और ये नोटिफिकेशन गया स्क्रीन से इंशाल्लाह गायब। तो चलो ये देखते हैं कि हो गया कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल आपने मोबाइल को कुछ नहीं करना, और ये देखिए रिमूव हो गया हमारा नोटिफिकेशन। अभी हम मोबाइल को रिस्टार्ट करेंगे ताकि हम कंप्लीट चेक कर सकें।